हिमाचल सरकार ने बीते दिन कार्टन पर 6% GST कम कर दिया है और MIS पर 1 रुपए बढ़ा दिया है, जिस पर कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार किसान बागवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। शुक्रवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर भी खूब निशाना साधा। आजकल प्रदेश में बागवानी का जो मौसम है, क्योंकि मॉनसून है, साथ में जो आजकल सेब का तुड़ान है वो पीक सीजन पर चला हुआ है। खास करके जो हमारे शिमला जिला है या आपका आपका मंडी का जो सेब उत्पादन वाला क्षेत्र है या कुल्लू का सेब उत्पादन वाला क्षेत्र है, वहां पे अभी जो तुड़ान है वो बिल्कुल पीक सीजन पे चला हुआ है। और मुझे लगता है कि पिछले साल की जो महामारी इस तरीके से सरकार की लापरवाही की वजह से, और खास करके जो मंत्री है श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनकी लापरवाही की वजह से जो पिछले साल प्रदेश के बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मैं समझता हूं कि उन्होंने उससे कोई भी जो है लेसन अपने पिछले साल की नाकामी से सीखा नहीं है, और उसका सीधा खामियाजा हमको इस साल भी भुगतना पड़ रहा है। महेंद्र ठाकुर जी जो है वो क्षेत्रवाद से ग्रस्त है। महेंद्र ठाकुर जी को धर्मपुर से आगे कोई इलाका हिमाचल प्रदेश के अंदर नजर नहीं आता। इसीलिए प्रदेश के जो हमारे बागवान हैं, किसान हैं, खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र के हमारे सेब उत्पादन के बागवान हैं, उनका जो दर्द है जो पिछले 1 साल से चला हुआ है, उस पर सरकार ने कोई भी जो है वो निर्णायक निर्णय नहीं लिए है। जिस तरीके से पिछले कल जो कैबिनेट का फैसला किया गया, कैबिनेट मीटिंग में जो आपका GST 18% से कम कर उसको जो है 12% किया गया है, जिसमें 6% की सब्सिडी जो है HPMC के माध्यम से देने की बात की गई है। पहली बात तो मैं कहूंगा कि इट इज टू लिटिल एंड टू लेट। ये केवल जब उनको लग रहा है कि किसानों बागवानों को पे वो मजबूर हो गए। आप देख रहे हैं किस तरीके से ठियोग के अंदर, जुब्बल कोटखाई के अंदर, रोड़ू के अंदर, रामपुर के अंदर, चौपाल के अंदर, आनी के अंदर किसान बागवान जो है पिछले साल की तरह फिर से जो है वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए और चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया है, पर ये निर्णय तब भी केवल एक आई वॉश है, क्योंकि जो ये जैसा मैंने कहा, जो ये 6% की सब्सिडी सरकार ने HPMC के माध्यम से दी है, आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम प्रिक्योरमेंट आपके पेटियों की होती है वो ओपन मार्केट से जो है वो किसान और बागवान करते हैं, और अधिकतर जो है इसको जो जो खास करके जो हमारे बागवान हैं वो इसको जो है वो उसको क्रेडिट पे लेते हैं। पेमेंट इसकी जो है उनका, जब पेमेंट एक बारी आ जाती है सेब की, उसके बाद ये पेमेंट करवाई जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 90% ऑफ बागवान जो है वो इसको प्राइवेट जो आपके इसके सप्लायर्स हैं उनके माध्यम से लेते हैं। उस पर तो वैसे भी ये लागू नहीं होता, ये केवल HPMC का जो प्रिक्योरमेंट है उसके लिए ये लागू होता है। तो ये केवल एक आई वॉश है, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए मात्र ये एक औपचारिकता सरकार ने निभाई है। अगर महेंद्र सिंह ठाकुर को इतना अगर लगाव प्रदेश के बागवानों और किसानों से होता तो आज से 2-3 महीने पहले उनको इसके ऊपर निर्णायक निर्णय लेने चाहिए थे। आपने देखा पिछले साल भी यही रोना किसानों बागवानों का था, चाहे वो पेटियों के लिए था, चाहे वो आपके सेपरेटर्स के लिए था, चाहे आपके ट्रे की कीमतों के लिए था, चाहे आपके खाद और जो आपकी कीटनाशक है। अभी आपने देखा पिछला जो बजट था प्रदेश सरकार का, उसमें जो इसमें सब्सिडी मिल रही थी वो भी सरकार ने जो है उसको बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।